हेलो विवेक, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने एम्प्लॉयमेंट या कुछ नेक्स्ट टॉपिक जो बचा हुआ है, हम लोग आज इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा जो है वो है कि जॉबलेस ग्रोथ। ठीक है, जॉबलेस ग्रोथ से भी पहले हम लोग जानेंगे कि जॉबलेस ग्रोथ जो है वो किस वजह से आया, हम उन सब चीजों के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला है कि ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी, जो जीडीपी का ग्रोथ था, ठीक है, जो जीडीपी का जो ग्रोथ था और जो एम्प्लॉयमेंट था वो आखिर कैसे जा रहा था, कैसे आगे आ रहा था, जा रहा था, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि कैसे कैसे ये दोनों चीजें जो है हमें बढ़ रही थी। हमारा एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा था, उसके साथ साथ हमारी जीडीपी जो है वो भी बढ़ रही थी। देखते हैं कैसे। तो सबसे पहला कंडीशन ये है कि 1960 से लेकर 2000 तक के जीडीपी ऑफ इंडिया ग्रू पॉजिटिवली। 1960 से 2000 के बीच में जो इंडिया की जो जीडीपी थी वो कैसी बढ़ रही थी, पॉजिटिव तरीके से बढ़ रही थी, यानी कि 2%, 4%, 8% पॉजिटिव तरीके से बढ़ रही थी, नेगेटिव में इंडिया की जीडीपी नहीं जा रही थी। लेकिन अभी हम लोग अगर कोविड की सिचुएशन देखें तो हमारी जीडीपी जो है वो नेगेटिव में गई थी। ठीक है, दूसरा है कि एम्प्लॉयमेंट रेट ग्रू एट अ स्टेबल रेट ऑफ 2%, जो हमारा एम्प्लॉयमेंट लेवल था, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट लेवल जो था वो सिर्फ 2% के हर साल जो है वो 2% के रेट से बढ़ रहा था। ठीक है, लेकिन हमारा जो जीडीपी था वो अलग अलग रेट से बढ़ रहा था। इस सिचुएशन को हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो हमारा जीडीपी था वो अलग अलग रेट से बढ़ा था, लेकिन जो हमारा एम्प्लॉयमेंट था वो सिर्फ 2% के रेट से बढ़ रहा था। इसका मतलब कि हमारा जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा बढ़ रहा है, इस वजह से जो है हमारा जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो उस रेट से नहीं हो पा रहा जिस रेट से जो है उसको होना चाहिए। तो यहाँ पे है कि द गैप बिटवीन जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड जॉबलेस ग्रोथ। जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट के बीच का जो गैप होता है उसको हम लोग बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। अब देखते हैं जॉबलेस ग्रोथ क्या होता है। तो जॉबलेस ग्रोथ इज अ सिचुएशन व्हेन एन इकोनॉमी इज एबल टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट अ प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब होता है बिना जॉब वाला ग्रोथ, मतलब कि जॉब हो ही नहीं रही है, जॉब लग ही नहीं रही है हमें, फिर भी यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। तो यहाँ पर डेफिनेशन के हिसाब से भी यही कहा गया है कि इज अ सिचुएशन व्हेन एन इकॉनमी इज एबल टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज। जब इकॉनमी जो है ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है बिना किसी को एम्प्लॉय किए, बिना किसी को जॉब दिए जो है, जब एक इकॉनमी जो है ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को बनाती है तो उस कंडीशन में हम लोग उसको क्या बोलते हैं, जॉबलेस ग्रोथ बोलते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है फॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर क्या होता है, तो देखते हैं कि ऑल द पब्लिक एंड द प्राइवेट इंटरप्राइजेस व्हिच एम्प्लॉयज 10 आर मोर हायर वर्कर इज कॉल्ड फॉर्मल सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट। सारे प्राइवेट या फिर पब्लिक इंटरप्राइजेस जो 10 या 10 से ज्यादा लोग, याद रखिएगा 10 या फिर मोर देन 10, 10 या 10 से ज्यादा लोग जो है जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मल सेक्टर बोलते हैं। यहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं उनको जो है सोशल बेनिफिट मिलती है। सोशल बेनिफिट का मतलब बहुत सारी ऐसी स्कीम्स आती हैं, हाउसिंग फैसिलिटी से लेके क्रेडिट फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी, बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी जो होती है यहाँ के वर्कर्स को मिलती है। ठीक है, अब हम बात करें तो है कि दे अर्न मोर देन द इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स। ये इनको जो है इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स से जो है ज्यादा पैसे मिलते हैं क्योंकि ये लोग फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। इसको रेगुलेशन वगैरह अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे गवर्नमेंट इनके लिए खड़ी होती है, तो यहाँ पे उनको जो पे किया जाता है वो भी जो है इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स से ज्यादा पे किया जाता है। ठीक है, इसके बाद द गवर्नमेंट प्रोटेक्ट देम थ्रू लेबर लॉस। बहुत सारे लेबर लॉस से जो है गवर्नमेंट इन लोगों को प्रोटेक्ट करती है ताकि जो है अगर इनके साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो गवर्नमेंट जो है वहाँ पे आके खड़ी है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को ले आए। इसके बाद दे हैव द राइट टू फॉर्म ट्रेड यूनियन। इनके पास ये राइट होता है कि वो ट्रेड यूनियन को बना सकते हैं। ऑब्वियसली बात, हम लोग देखा होगा ट्रेड यूनियन मूवी में देखा होगा कि लेबर संघ जिंदाबाद जिंदाबाद ऐसा होता है ना, तो ये ट्रेड यूनियन क्या होता है, जब मजदूरों के किसी राइट्स का हनन किया जाता है, अगर जो एम्प्लॉयर है वो किसी राइट्स का हनन करता है, क्या पता उनसे ज्यादा काम करवाता है, उनको सैलरी कम देता है, उनको अलग फैसिलिटीज नहीं देता है, तो वो लोग ट्रेड यूनियन बना के अपनी आवाजें जो है वो उठा सकते हैं। इसके बाद ऑर्गेनाइज सेक्टर प्रोवाइड्स ओनली 7% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स। ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो सिर्फ 7% जो है लोगों को काम दे पाता है और बाकी जितने लोग बचते हैं वो किसमें जाते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाते हैं, यानी कि इनफॉर्मल सेक्टर में जाते हैं। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है इनफॉर्मल सेक्टर या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर, देखते हैं उसको।